अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक डिक्शनरी किसी भी लैंग्वेज के लिए विजुअल स्टूडियो की मदद से कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो से। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से कोई भी लोकेशन दे सकते हैं और इस वक्त मैं अपने प्रोजेक्ट को लोकेशन देता हूँ डेस्कटॉप पर। आप कोई भी लोकेशन दे सकते हैं और यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं और इस वक्त मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दे रहा हूँ डिक्शनरी वर्ड का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम वर्ड्स सर्च करेंगे और एक रिच टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। इस रिच टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हमें सर्च किए वर्ड का मीनिंग मिले। तो टेक्स्ट बॉक्स को मैं नाम दे देता हूं सर्च टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट सर्च दे देता हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं टेक्स्ट सर्च दे देता हूं। और मैं रिच टेक्स्ट बॉक्स को टी टेक्स्ट रिजल्ट दे देता हूं। टेक्स्ट सर्च बॉक्स को क्लिक करें। इसकी इवेंट्स में आइए। इवेंट्स में टेक्स्ट चेंज्ड को डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ टेक्स्ट सर्च डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यू, इसका मतलब अगर टेक्स्ट सर्च के अंदर यू लिखा गया तो देन टेक्स्ट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आप। इसका मतलब ये कि अगर टेक्स्ट सर्च में यू लिखा गया तो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट मतलब रिजल्ट के अंदर हमें आप मिले। चलिए हम रन करके देखते हैं। चलिए देखते हैं हम यू लिख के कि हमें क्या आंसर मिलता है। देखिए हम कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं, हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा। तो अगर हम यू टाइप करेंगे तो हमें आंसर आप मिलेगा। चलिए एक और स्टेटमेंट यूज करते हैं। मी मैं, देखिए मैं यू टाइप कर रहा हूं तो आप रिजल्ट आ रहा है और मी टाइप कर रहा हूं तो मैं नजर आ रहा है। तो आप ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। चलिए मैं थर्ड स्टेटमेंट भी यूज कर देता हूं। वे मीन रास्ता। वे रास्ता। मी मैं, यू आर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।